hello everyone welcome to my youtube channel in last lecture we have discussed about the meaning and definition of psychology so today we are going to discuss scope of psychology what are the scope of psychology so here is the scope of psychology we have 11 points first one is journal psychology next one is abnormal psychology then child psychology Next is developmental psychology, educational psychology, industrial psychology, comparative psychology, clinical psychology, experimental psychology. Next is social psychology, then physiological psychology. So let's start with the point first. ट इज जनरल साइकोलॉजी जनरल से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हमने क्या करना है नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करना है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ नॉर्मल कंडीशन के साथ कैसे डील कर रहा है इसमें लाइक like इंटेलिजेंस हो गया परसेप्शन हो गया मेमरी हो गया ये सब हम स्टडी कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी सो एबनॉर्मल से ही हमें पता लग रहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन एबनॉर्मल इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल जो सफर कर रहे हैं किसी मेंटल सिकनेस से लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो यहाँ पे हमने एक एबनॉर्मल पर्सन के बिहेवियर की स्टडी करनी है नेक्स्ट इज चाइल्ड साइकोलॉजी इसमें हमने क्या करना है चाइल्ड के बिहेवियर को स्टडी करना है चिल्ड्रन एज हाउ दे थिंक पॉइंट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसमें हमने क्या करना है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ जितनी हमारे डेवलपमेंटल स्टेजे जैसे प्रीनेटलोगी इन फैंसी चाइल्ड तो या जितने से जैसे हमारे स्टेजेज बढ़ते हैं हमने क्या करना है इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना है एट डिफरेंट स्टेजेस नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी तो इसमें हमने क्या करना है इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना है इन एजुकेशनल सेटिंग इट्स स्टडीज द क्लास रूम बिहेवियर ऑफ़ स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट और टीचर के कैसा बिहेवियर है क्लास रूम में रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टीचर ये सब हमने क्या करना है स्टडी करना है स्टडी मैथड कैसा है टीचिंग मैथड कैसा है एक्सेट्रा नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बिहेवियर इज स्टडीड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग इसमें हमने इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना है कहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटिंग्स इट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मशीन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इन इंडस्ट्रियल सेटिंग और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जॉब सेटिस्फैक्शन है कि नहीं ये सब हमने क्या करना है स्टडी करना है इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स नेक्स्ट पॉइंट इज कम्पेरेटिव साइकोलॉजी इसमें क्या है इसमें एनिमल एंड ह्यूमन के बिहेवियर को कम्पेयर करना है सो इट इज कॉल्ड कम्पेरेटिव साइकोलॉजी और इसको एनिमल साइकोलॉजी भी बोला जाता है कंपेरेटिव साइकोलॉजी को इन क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टडीज द मेंटली सिक पर्सन विद स्पेशल रेफरेंसेस टू सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ दियर सिकनेस इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसमें हम क्या करते हैं जितनी भी हमारी थ्योरीज है प्रिंसिपल हैं उनको हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मैथड इन सोशल साइकोलॉजी बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोशल सिचुएशन एंड सोशल ग्रुप इज स्टडीड सोशल कंट्रोल क्राउड बिहेवियर एक्सेट्रा लास्ट पॉइंट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी मीन बॉडी के ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं कैसे फंक्शन कर रहे हैं और हमारा बॉडी का जो सिस्टम है लाइक नर्वस सिस्टम हो गया कैसे वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो ये सब हमने क्या करना है स्टडी करना है दैट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी This is all about today's topic. Thank you.